बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोलो मार्केट से लाई हूँ। आईफोन के ऊपर एक डिस्काउंट लगी हुई है जी। मैं आपको वीडियो को शुरू में दिखाता चलूँ, फिर आगे बढ़ते हैं और मोबाइल भी आपको दिखाऊंगा। आईफोन 13 प्रो मैक्स है जी, आईफोन 13 प्रो मैक्स, ठीक है। ये पड़ा हुआ है जी, ये प्रो है लेकिन सेम यही लुक है उसकी भी, यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में इन लोगों ने नहीं रखा हुआ है, वैसे बॉक्स उसके पड़े हुए हैं। ये 5200 रियाल में लगा हुआ है जी, 5700 रियाल से। और कितने GB स्टोरेज है जी, 256 GB स्टोरेज। अब 4 फरवरी तक है जी ये, ठीक है। और ये डिस्काउंट ऑफ द डे बोल रहे हैं आप, ठीक है। आप अभी भी ये परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ लगा हुआ है जी एप्पल वालों के एयरपॉड्स प्रो, ठीक है। 1000 रियाल से बोल रहे हैं, 199 है जी। और 779 यानी कि 779 रियाल में लगाए गए हैं, ये भी डिस्काउंट करके, ठीक है। और इसके अलावा नीचे अगर बात करें, आईफोन 13 प्रो मैक्स 5200 रियाल में मैंने आपको, सॉरी, ये 5000 में लगा हुआ है। और ये है जी 128 GB। और 5600 रियाल में जो लगा हुआ है ये 5600 रियाल से 256 GB वाला 5200 रियाल में, 5700 रियाल से, सॉरी, ये देख लेंगे आप। और साथ में आईफोन 13 प्रो सिंपल 128 GB वाला 4700 रियाल। और इसके अलावा जी दूसरा कौन सा है, 256 GB वाला आईफोन 13 प्रो ये वाला, ये है जी 4900 रियाल में। और आपको लुक मैं ये दिखा दूँ इनकी, देख लें जी, ठीक है। इसके साथ आईफोन 12 पड़ा हुआ है और देख लें जी आप, इसके प्राइस हैं जी 3600 रियाल और स्टोरेज है जी 128 GB। साथ में आईफोन 12 मिनी है और प्राइस हैं 2900 रियाल और स्टोरेज है 128 GB जी, 128 GB है। और इसके साथ पड़ा हुआ है आईफोन 13, ठीक है, आईफोन 13 3549 रियाल में और स्टोरेज है जी 128 GB, ठीक है। सॉरी, ये जो मैंने आपको मिनी दिखाया ये 64 GB में है, ये 128 GB में है। और इसके आगे पड़ा हुआ है आईफोन 8 और 2200 रियाल में है और आईफोन SE 2 2549 रियाल में है। उनके ऊपर डिस्काउंट नहीं है, सिंपली प्राइस से मैंने आपको अपडेट कर दिया है। अगर टैब के मुतल्लिक बात करें, आईपैड के, ये भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें ये आईपैड पड़ा हुआ है, ये एक 32 GB स्टोरेज के साथ 1300 रियाल में है। और साथ में पड़ा हुआ है ये वाला, ये आईपैड प्रो है, 10.5 इंच का डिस्प्ले है, 4G है। और ये कितने GB स्टोरेज है, ये 64 GB स्टोरेज में 3000 में है, 3002 रियाल में। और साथ में ये बड़े टाइप का, अभी इसके प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं जी, डिटेल नहीं लिखी गई है, 3300 रियाल में। और एप्पल आईपैड एयर 4 है ये, ठीक है, 4G के साथ 64 GB स्टोरेज वाला है। मैकबुक प्रो लैपटॉप भी है जी 6049 रियाल में, ये दो पड़े हुए हैं आप देख लें, ठीक है। इसके बाद मिनी एप्पल वालों का आईपैड मिनी और इसके प्राइस हैं जी 2349 रियाल। मैं पीछे होकर आपको पूरा ये भी काउंटर दिखा दूँ, ऊपर वो आईपैड 9 उसके ऊपर जो प्राइस हैं यानी कि डिस्काउंट करके, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एप्पल आईपैड प्रो 3 11 इंच वाईफाई 128 GB सिल्वर कलर में 3500 रियाल में। और मैकबुक प्रो 3800 रियाल में लैपटॉप लगा हुआ जी एप्पल वालों का। और इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर एप्पल मैकबुक प्रो और ये देख लें जी 8799 में, काफ़ी महंगा है यार। यहाँ पर मैकबुक प्रो है जी एक एप्पल मैकबुक प्रो एयर 4400 रियाल में। और ये जो डिस्काउंट पर लगाया गया टैब, ये देख लें, ये है जी आईपैड 9, ठीक है, 1700 रियाल से 1579 रियाल में लगाया गया है, ठीक है। 10.2 इंच का इसका डिस्प्ले है, ये भी 4 फरवरी तक का है। और अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ मोबाइल्स के मुतल्लिक डिस्काउंट बता देता हूँ मैं। हम इसी से शुरू कर लेते हैं, वीवो Y15s, ठीक है। और स्टोरेज है जी इसकी 32 GB, 3 GB रैम है इसमें, 519 रियाल में है। वीवो Y15s ऊपर पड़ा हुआ जी, न्यू वीवो वालों का X60 प्रो, अभी भी ये लेटेस्ट न्यू मॉडल, हालांकि X70 सीरीज़ भी आ चुकी है, 3000 में डिस्काउंट के बगैर है। वीवो V20 डिस्काउंट मार के लगाया गया जी 1300 रियाल में, 1500 रियाल से। और स्टोरेज कितनी है जी 128 GB। साथ में लगा हुआ वीवो Y72 1099 में है और स्टोरेज है इसकी कितनी है जी 128 GB। नीचे है जी वीवो X60, तो ये 2000 रियाल में लगाया गया है और स्टोरेज इसकी कितनी है जी 256 GB। नीचे वीवो S1 प्रो 1000 में है और यहाँ पर है जी वीवो वालों का Y33s
ये भी 1000 रियाल में है और इसकी स्टोरेज है जी 128 GB। ऊपर लगा हुआ वीवो वालों का V21 128 GB वाला 5G के साथ, और इसमें 1600 रियाल इसके सॉरी 1500 रियाल प्राइस है, 128 GB स्टोरेज है। नीचे वीवो Y53S 949 रियाल में है, 128 GB वाला, ठीक है, बैटरी 5000 mAh की है। और साथ में सैमसंग गैलेक्सी A03S और 32 GB स्टोरेज के साथ है, 475 रियाल में लगा हुआ है भाई। और स्टोरेज कितनी है, 32 GB स्टोरेज, और रैम मैं देख रहा हूँ रैम कितनी, हाँ 3 GB रैम है, 5000 mAh की बैटरी है। वीवो यहाँ पर है जी V20S 800 रियाल में और 128 GB स्टोरेज है। ऊपर वीवो Y21 700 रियाल में लगा हुआ है और इसमें स्टोरेज आपको मिल जाएगी 64 GB वाली, ठीक है। साथ में गैलेक्सी A52 दो स्टोरेज के साथ है, एक 775 रियाल में 64 GB वाला है 5G, और 800 रियाल में 128 GB वाला है, और ये है जी 128 GB वाला 4G में। नीचे सैमसंग गैलेक्सी A02S 425 रियाल में डिस्काउंट पर लगा हुआ है, और स्टोरेज कितनी है, 32 GB है जी स्टोरेज है, और इसमें रैम कितनी है जी, हाँ जी 3 GB रैम यूज़ की गई है। A12 सैमसंग गैलेक्सी के 12 575 रियाल में लगाया गया है। साथ में लगा हुआ जी गैलेक्सी A02 425 रियाल में है जी, ठीक है, और स्टोरेज 32 GB और रैम 3 GB। ऊपर है जी सैमसंग A11, ठीक है, A11 इसके प्राइस हैं जी 575 रियाल और 32 GB स्टोरेज एंड 2 GB रैम है। यहाँ पर नोकिया 5.2 600 रियाल में लगाया गया है और 128 GB वाला, एंड नोकिया 3.4 500 रियाल में है और 64 GB स्टोरेज वाला है, और वीवो Y12+ 500 रियाल में है और स्टोरेज है 32 GB, एंड ये कौन सा नोकिया और 329 रियाल में है जी नोकिया 1.4 32 GB स्टोरेज के साथ। नीचे आई नोकिया 2.4 और स्टोरेज है जी 400 रियाल और सॉरी प्राइस 400 रियाल, स्टोरेज है 32 GB, ठीक है। साथ में लगा हुआ जी 660 रियाल में नोकिया, और साथ में न्यू अराइवल नोकिया G10 534 रियाल में है और 64 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है। नीचे जी नोकिया 7.2 995 रियाल में लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएगी 6 GB रैम एंड स्टोरेज कितनी है, 128 GB, ठीक है। साथ में ये पड़ा हुआ है लेकिन इसके ऊपर डिटेल मेंशन नहीं है, 369 रियाल में है जी सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर 32 GB स्टोरेज के साथ है, ठीक है। ये कुछ लेटेस्ट मॉडल थे जो मैंने आपको दिखाए हैं कारफोर सॉरी लोलो मार्केट से। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इनका टैब है, आप लैपटॉप के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, 3700 रियाल में लगा हुआ है ये भी, ठीक है। टैब वगैरह की भी मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पर है, इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिएगा, इनकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।